हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट कहने का मतलब आप जितना जल्दी कोई काम करना चाहते हैं उतना जल्दी आपका काम नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में या ऐसे ऑप्शन के बारे में या ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में इतना फास्ट काम कर सकते हैं या इतना जल्दी किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखिए मेरे ऊपर में एक ऑप्शन है, मैं जितना जल्दी सकूँ उतना सेटिंग में जा सकता हूँ, पेमेंट गेटवे में जा सकता हूँ, क्रोम ब्राउज़र में जा सकता हूँ या किसी और ऐप में जा सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो जैसे मैं अब पेमेंट गेटवे पे क्लिक करूँगा तो जितने भी मेरे मोबाइल में सारे पेमेंट गेटवे होंगे सारे मेरे सामने आ जाएंगे और मैं यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके अपना काम कर सकता हूँ। यदि आप यहाँ पर किसी गेम का ऐप लगाना चाहते हैं, आपके मोबाइल में जितने भी सारे गेम होंगे वो एक बार में आपके सामने दिख जाएंगे। लेकिन आप अपने मोबाइल में एक तरह से इस तरह से खोजते रहते हैं कि मेरा गेम किधर है या किधर गया। लेकिन इस तरह से आप शॉर्टकट लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए मैं देखा क्रोम ब्राउज़र सेट किया हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ ऐप इंस्टॉल कर रखे हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, तो इस कारण से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से सेटिंग लगाना चाहते हैं या इस तरह से शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा क्विकली। जी हाँ दोस्तों, क्विकली जैसे सर्च करेंगे आपको थर्ड या फोर्थ में ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन बार लॉन्चर, तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करते ही आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाता है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो सब अलाउ कर दीजिए। तो देखिए हमें कैसे कैसे ऐड करना है वो बता रहा है आपको। नोटिफिकेशन में जो ऑप्शन मिलता है उस तरह से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऑप्शन मिलेगा कि आप शॉर्टकट में आप किसी भी ऐप को खोल सकें या जल्दी से कोई भी ऐप आप ओपन कर सकें। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लॉन्च फेवरेट क्विक में कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डन कीजिए। जैसे ही डन करेंगे आपके सामने फेवरेट ऐप आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जो भी ऐप लगाना चाहता हूँ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, ये जो ऐप होते हैं जो सिक्योरिटी जो पेमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको मैं एक में रखना चाहता हूँ, जो फ़ोनपे है और एक एप्लीकेशन जो गूगल तेज है। इस तरह से इसको ऐड करने के बाद जो दिख रहा है ऊपर में इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं जो भी डालना चाहे, तो लिखा पेमेंट गेटवे। हम इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद देखिए ऊपर थ्री अंडरलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेमेंट गेटवे में एक ऐड हो चुका है। इस तरह से आप बहुत सारे ऐड बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप सेटिंग में जाकर यदि आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको दिखे जैसे कि यहाँ दिख रहा है उस तरह से दिखाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना होगा। जाने के बाद दिख रहा है उसको आपको पेमेंट गेटवे में डालना होगा बस, और कुछ आपको नहीं करना। इस तरह से आपका ऐड हो गया। ऊपर में देखेंगे कि आपका देखिए पेमेंट गेटवे लिख दिख रहा है, शॉर्टकट में दिख रहा है, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जिस जिस फीचर को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप चाहते हैं कि किसी ब्राउज़र को ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कुछ भी जियो टी वी जो भी डालना चाहते हैं आप ऐड टू कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड भी बताते हैं तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद जो ये दिख रहा है पिन करने का ऑप्शन, यहाँ पर अपना नाम दीजिए, क्रोम ब्राउज़र जितने भी आपके ब्राउज़र हैं मोबाइल में यहाँ पर अपने ब्राउज़र को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, चलिए हमारा क्रोम ब्राउज़र जो आपका नाम डालने का मन हो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और इसे सेव कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाना सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है और यह इसको इनेबल कर देना बस। अब आपको ऊपर देखेंगे सेटिंग, और जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक कीजिए यहाँ से शॉर्टकट में दिया हुआ आपका पेमेंट गेटवे में चलाएंगे और आप सीधे किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और जितना शॉर्टकट होगा उतना ही अच्छा होगा आपको, क्योंकि आप जितना जल्दी करना चाहेंगे उतना जल्दी आपको फास्ट वर्कर या फास्ट काम करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो सुना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के डेली वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।